अभय झा ने बताया कि जालोरी पेट्रोल पंप पर गया, जहां कर्मचारी ने पेट्रोल डालने को लेकर अभद्रता की और मारपीट कर दी। मेरा नाम अभय झा है, पीतल मिल चौराहे पे रहने वाला हूं, लक्ष्मी नारायण झा का पुत्र हूं मैं। कल रात 9 बजे के बाद जालोरी पेट्रोल पंप पे गया पेट्रोल भरवाने, गाड़ी मेरे दोस्त नीलेश के साथ। तो मैंने गाड़ी पे पेट्रोल भरवाने के लिए उसके कर्मचारी से बोला कि इसमें गाड़ी में पेट्रोल डाल दे, तो वो बोलने लगा मुझसे कि मैं पेट्रोल नहीं डालता, मैं यहाँ घूमने के लिए आया। तो मैंने लेके दूसरे टैंक पे गाड़ी लगा दी। अब वो मेरे पास आया और मुझसे बोलने लगा, तुझे समझ में नहीं आ रही, मैं तेरे से मना कर रहा हूँ। तो वो मुझसे बदतमीजी करने लगा। तो मैं भी गाड़ी पे से उतर के उसके पास गया। मैंने बोला, भाई तू कमीज से बात कर, तू कर्मचारी आदमी है। तो बोलने लगा, मैं तो यहाँ घूमने आया हूँ, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, तुझे भरवाना है कि नहीं भरवाना। मैंने कहा मुझे नहीं भरवाना, तो उससे गाली गलौज करने लगा। तो मैं उसके पास गया, तो वहीं से उसके पीछे से मैनेजर आ गया और उसका दो स्टाफ के लोग और आ गए, तो वो मुझे धक्का देने लगे पीछे से। तो मेरा जो साथी था नीलेश, वो पीछे चला गया और वो कहने लगा, भैया रुक जाओ, अभी बैठ के बात कर लेते हैं। तो फिर उसके कर्मचारी ने मुझसे गाली गलौज चालू कर दिया, ठीक है। इसके बाद वो पाइप लेके आ गए, तो पाइप लेके आ गए तो उसने मुझे धक्का दिया। अब धक्का दिया तो मैं भी चुप बैठूंगा नहीं, तो मैंने भी हाथ अपना आगे बढ़ाया, मैंने उनको धक्का दिया। तो पीछे से आके एक नीली ड्रेस में जो कर्मचारी था, उसने मेरे में पीछे से आके दो पाइप मारे। पाइप मारने के बाद मेरी गर्दन पकड़ ली और नाखून मारने लगे, और मेरे हाथ का ब्रेसलेट और मेरी चेन चली गई है। ये मैं दूसरी चेन पहना हूँ, मेरी एक चपटी चेन थी जो मेरे गले से गायब है। इसके बाद उन्होंने मुझे पीछे लिटा दिया और फिर मारने लगे, उनका पूरा स्टाफ आके मुझे मारने लगा। और ये सब हुआ, पहले तो पूरा उनका स्टाफ रुका हुआ था, ये सिर्फ मैनेजर और उसके ओनर के इशारे, उनने जैसे ये इशारा किया तो वो मुझ पर टूट पड़े और मुझको मारने लगे। कुछ लोगों के नाम याद है आपस में बोल रहे हैं? मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ झगड़ा करने नहीं, मैं वहाँ पेट्रोल डलवाने गया। नहीं, जैसे आपस में बोल रहे होंगे तो कुछ नाम वगैरह याद है? मुझे कुछ भी याद नहीं है, एक यादव था और एक मैनेजर था, मुझे इतना पता है। और उन्हें सिर्फ मालिक और मैनेजर के इशारों पे ही मुझे मारा गया। और वहाँ सामने बिल्कुल स्टेशन पे ही 100 नंबर खड़ी थी, जिसमें कि 2 पुलिस कर्मचारी बैठे थे। वो घटना को देखते हुए भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और तभी वहाँ पे आके वो मुझे इतना तेज मारने लगे कि मतलब मैं बिल्कुल होश में नहीं था, तो मैं दूर जाकर बैठ गया।